भगवान भोलेनाथ का महाशिवरात्रि पर्व 3 दिवसीय पर्व जो 1 तारीख से ही चालू होगा, उसके लिए हमने ट्रस्ट और सेवा समिति ने मिलकर के और भक्तों की व्यवस्था के लिए टिन शेड का भी हमें अपने निर्माण कर रखा है और पानी की और भक्तों के ठहरने की और छाँव के लिए भी हम टेंट वगैरह इधर और लगवा रहे हैं। और अंदर 2 साल बाद अगर कोरोना की महामारी की वजह से 2 साल बाद जो अगर मेला भर रहा है तो इसके लिए हमने पूरी भीड़ भी ज़्यादा आने की संभावना है, तो इसके लिए हमने पूरी तैयारी कर रखी है। 3 दिवसीय महाशिवरात्रि का जो मेला भर रहा है वो मतलब पिछले 2 साल से नहीं भरा, अब भर रहा है। तो उसमें जैसे मंदिर ट्रस्ट और हरणी महादेव सेवा समिति है जिसने मतलब पूरा सहयोग मतलब सेवा कर रखी है, मतलब अच्छी छाँव की व्यवस्था कर रखी है, मेले की पूरी मतलब जो भी है मतलब यहाँ पर दर्शनार्थी जो दर्शन करने के लिए आएंगे उसके लिए जो मंदिर ट्रस्ट की जो व्यवस्था है वो पूरी माकूल है। और उसके अलावा भी मंदिर के अंदर जो भी व्यवस्था रहेगी हरणी महादेव मंदिर ट्रस्ट और सेवा समिति की रहेगी, बाहर की जो भी है प्रशासन की रहेगी, बाकी मेले की जो व्यवस्था है नगर परिषद देखेगी। मैं मुकेश झा, ये मेला 2 साल के बाद लग रहा है और 2 साल पहले तो मतलब ये हमारे कोरोना का जो दिन निकला है बहुत बुरा निकला है और हमारी बेरोजगारी हो गई थी और बहुत परेशान हो गए थे और हमारी जो लोडिंग वगैरह जो ये माल भर के आते हैं उससे भी हम बहुत ज़्यादा हमारे खर्चा मतलब बहुत ज़्यादा हो गया और हमारे ब्याज वगैरह जो कर लेते हैं पैसे वो भी हमारे माथे पे चढ़ गए हैं। और अभी ये 2 साल के बाद कोरोना लग रहा है, ये मेला लग रहा है हरणी महादेव का। अभी ये उम्मीद पे हम आए हैं, 10-15 दिन हो गए हमें आए हुए यहाँ पर। और अभी यहाँ पर ये जो हमारे को जो पहले भी हरणी महादेव में हमारे को बहुत लाइट का और ज़मीन का बहुत हमारे को सुविधा देते हैं, यहाँ के सारे मतलब अच्छे व्यवहार है। और आगे भी हम यहाँ जाएंगे, यहाँ से शाहपुरा जाएंगे और वहाँ भी मतलब 2 साल हो गया हमारे को और 2 साल के बाद अब वहाँ भी लगेगा। वहाँ भी आया हमारे पास फ़ोन, हमने करा तो बोले आ जाओ आप, इस साल लगेगा और आपको पूरा सपोर्ट करेंगे, लाइट की भी परेशानी नहीं आने देंगे, ज़मीन में भी कम से कम लेंगे और हो सकता है नहीं भी लेंगे, धंधे की उम्मीद लेके ही आए हैं हम लोग। और बस देखो अब इस साल हमारे को थोड़ा सा हो जाए तो हमारे कर्जे वर्जे हैं थोड़ा बहुत निकल जाए, थोड़ा बस चुक जाए, क्योंकि कर्जे वालों को भी कब तक हम लोग ये करें, उनका भी ब्याज व्याज माफ़ करवाएंगे थोड़ा बहुत। और बाकी तो है जब परिवार लेके चलते हैं और यही जीवन है हमारा मेले का।